संगीता चाय लाना। अर्जुन, आपके नन्हे मुन्ने को अगर थोड़ा सा बुखार आ जाए तो आपका मन मचल जाता है। उसकी छोटी से छोटी चोट आपको दर्द देती है। सोचिए, अगर आपका नन्हा उसकी कोमल त्वचा जल जाए तो? जी हाँ दोस्तों, आप पैनिक हो जाते हैं। आपको ये समझ नहीं आता है कि अब आपको क्या करना चाहिए। आपको उसको पानी में डालना है, उसको बर्फ़ लगानी है, या फिर आप अब डॉक्टर के पास जाएं? देयर इज अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। जी हाँ दोस्तों, आज का बचपन का एपिसोड हम डेडिकेट करेंगे बर्न्स के लिए और आपको बताएंगे कि क्या होना चाहिए फर्स्ट एड स्टेप और किस तरह से आप बर्न्स को अवॉइड कर सकें। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं और मिलते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट से। आज की हमारी पहली एक्सपर्ट हैं, जो कि एक जानी मानी सेफ्टी एक्सपर्ट भी हैं, शालिनी अग्रवाल। लेट्स वेलकम हर। वेलकम शालिनी, वेलकम टू द शो। थैंक यू दिव्या। और आज के हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं सी विजय कुमार, जो कि जाने माने चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। चलिए उनका भी स्वागत करते हैं। वेलकम डॉक्टर, वेलकम टू द शो। वेलकम बोथ ऑफ यू। जैसे कि मैंने अभी कहा, बर्न्स एक बहुत ही पैनिक सिचुएशन होते हैं, स्पेशली इन केस ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन, क्योंकि इनकी त्वचा काफ़ी थिन होती है और काफ़ी नाजुक होती है, कोमल होती है। तो हर पेरेंट्स आई थिंक बर्न से काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। और क्योंकि आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, पीडियाट हैं, आपके पास ऐसे कई सारे केसेस आते होंगे। बिल्कुल, एक्चुअली बर्न्स दो टाइप के होते हैं जो हमें मिलते हैं। इधर वन इज बिकॉज ऑफ फ्लेम्स और दूसरा जो होता है गर्म पानी के जलने से होता है, दैट इज कॉल्ड अ स्काल्डिंग। सो बर्न्स इज बेसिकली जो है फ्लेम के जो है नियरली ओनली 20% केसेस ही मिलते हैं। 80% आर बिकॉज ऑफ स्काल्डिंग एंड दैट इज यूजुअली बिकॉज ऑफ वार्म वाटर, वार्म टी, समटाइम्स इवन वार्म ऑयल, यू नो, विच कैन कॉज दिस काइंड ऑफ बर्न्स। सो ये जो है बर्न्स जो है इट हैज़ बीन क्लासिफाइड टू 3 degrees डिपेंडिंग ऑन द डेप्थ ऑफ द बर्न। सो द मोस्ट सुपरफिशियल जो स्किन होता है, दैट इज एपिडर्मिस, व्हेन इट इज इन्वॉल्व इट इज बेसिकली फर्स्ट डिग्री और द सेकेंड डिग्री बर्न। फर्स्ट डिग्री जो है सबसे माइल्ड टाइप ऑफ बर्न होता है, जिसमें ओनली रेडनेस और पेन होता है। वेरा सेकेंड डिग्री इज अ बर्न जिसमें ब्लिस्टर्स फॉर्म होते हैं। एंड थर्ड डिग्री जो है वो उससे भी डीपर होता है, जिसमें देर इज नो पेन बिकॉज देर आर नो नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व। वो पूरा जल जाता है तो वो बिल्कुल पेन नहीं करता है। वेरा सेकेंड डिग्री पेन्स मोर एंड ब्लिस्टर्स उसमें ज़्यादा आते हैं। कॉमनेस्ट व्हाट वी सी इज बेसिकली फर्स्ट एंड सेकेंड डिग्री। थर्ड डिग्री के लिए यूजुअली इट शुड बी अ डायरेक्ट बर्न बिकॉज ऑफ फ्लेम्स। आई थिंक आपने ये तो बहुत ही क्लियरली बता दिया कि किस तरीके के बर्न्स होते हैं। और कॉमन बर्न जैसे आपने बोला चाय गिरने की वजह से, या गर्म पानी, या मालिश का जो तेल होता है कई बार बहुत गर्म हो जाता है और डायरेक्टली वो बच्चे के ऊपर लगाया जा रहा है तो उसकी वजह से हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सेफ्टी प्रिकॉशंस जो हैं पेरेंट्स उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो शालिनी जी, हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके के सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने चाहिए। डॉक्टर ने बिल्कुल सही कहा कि यू नो 80% ऑफ द केसेस ही इज सीइंग बिकॉज ऑफ टी, कॉफ़ी, वार्म फ्लूइड्स के बर्न्स। तो वो अगर आप 80% अगर आप टेक केयर कर लें तो आपने काफ़ी यू नो मायने रखेगा। अगर आप घर में चाय कॉफ़ी जब सर्व करते हैं तो मेक इट अ हैबिट कि बस डाइनिंग टेबल पे टी कॉफ़ी पिए, कि वहाँ बच्चों के भागते हुए आने की उम्मीद कम होती है। अदरवाइज़ क्या होता है, हम लोग चाय यूजली साइड टेबल पर रखते हैं और बच्चा खेलता हुआ आता है या मम्मी के पास भागता हुआ आता है तो इनवेरिएबली कभी कभी चाय गिर जाती है और उसके ऊपर ही सबसे ज़्यादा छींटें आती हैं। करेक्ट। सो वी मेक इट अ हैबिट लाइक वी सिट ऑन अ हाई लेवल सो दैट टी डज नॉट कम डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट। मदर इज ऑलवेज वेरी केयरफुल, स्पेशली वेन फीडिंग द किड, सो नेवर हैव बेवरेजेस अराउंड योर, हॉट बेवरेजेस अराउंड योर चिल्ड्रन, बिकॉज वो बच्चे तो न्यू बॉर्न बेबीज तो बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं, बहुत डेलिकेट होते हैं, स्किन बहुत डेलिकेट होती है। और जैसे और भी जैसे बॉइलिंग वाटर, हम लोग रेनी सीजन में ज़्यादातर घरों में बॉम्बे में बॉयल करते हैं पानी जी, तो आई ऑलवेज एडवाइज माई क्लाइंट्स कि आप बैक बर्नर यूज़ करिए और वो पतीला पूरा वहीं रखिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम आगे से पीछे करते समय कभी बच्चा भागता हुआ आ रहा है, कभी उबलता हुआ पानी उस पर गिर सकता है। तो यूज़ बैक बर्नर्स इन द नाइट और पूरी रात में वो पानी ठंडा हो जाता है। इवन वाइल कुकिंग जो आपके पैंस के हैंडल होते हैं, कुकर के हैंडल होते हैं, उनको इनवर्ट करिए, क्योंकि अक्सर हमारे घरों में भी मैंने भी देखा है कि मेरा बेटा अगर जब राजमा चावल बनता है इज़ वेरी एक्साइटेड, करेक्ट, सो ही वांट्स टू सी कि क्या बन गया कि नहीं, क्या हुआ, कढ़ाई में गर्म हो गया कि नहीं। सो दे हैव अ टेंडेंसी ऑफ थिंकिंग दे वेरी ओल्ड इनफ, दे वांट टू यू नो सी द हैंडल देमसेल्फ, दे डोंट अंडरस्टैंड दैट थोड़ा इधर उधर और वो पूरा पैन
आपके ऊपर गिर सकता है. सो हैविंग इट ऑन द बैक बर्नर इज ऑलवेज नाइस. एंड देयर मेनी अदर इक्विपमेंट्स आल्सो अवेलेबल इन द मार्केट नाउडेज. आई एम कैरिंग वन सच फॉर यू नो लाइक दिस बेसिकली लॉक्स द नॉब. ओके. तो जो गैस नॉब होता है वो काफ़ी बच्चे यू नो क्योंकि माएँ हेल्पर्स किचन में ज़्यादातर टाइम स्पेंड करती हैं तो इवन दे आर वेरी क्यूरियस एंड दे थिंक इवन दे कैन कुक सो दे यू नो टर्न द नॉब. सो दिस इज़ बेसिकली covers and blocks the knob completely. Correct. So that the child cannot open it. That's so true. Taking जैसे आपने direct flames की बात की तो मैं उसी point पे आ रही थी कि आजकल जो burners हैं they are automatic. Right. तो बच्चे कई बार उसे जलाने की कोशिश करते हैं और एकदम से जब flame निकलती है तो they get burn. Especially face के ऊपर because you know वो काफ़ी ज़्यादा झुक के देख रहे हैं उनके जो actions हैं कहीं ना कहीं problematic हो जाते हैं. और एक और बात तीन साल के बच्चों को नेचुरल क्यूरियोसिटी होती है फ्लेम के लिए बिकॉज ऑफ विच दे एक्चुअली वांट टू एक्सपेरिमेंट विद इट. करेक्ट. इसलिए उस टाइम में जो है खासकर उस एज ग्रुप के बच्चों के टाइम में घर में यू हैव टू टेक क्लियरली गुड प्रिकॉशंस. करेक्ट. आई वुड आल्सो लाइक टू ऐड दैट यू नो हमारे घरों में दिया होता है कभी कभी अखंड दिया होता है तो फॉर अ थ्री ईयर ओल्ड ही इज़ बाई नेचर वेरी क्यूरियस तो वो लोग एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कि क्या होगा अगर मैं कपड़े को उस फ्लेम के ऊपर रखूँ क्या अगर मैं बहन की उंगली छोटी बहन की उंगली रखूँ या कोई अपना फेवरेट टॉय देखूँ यू नो. So he is doing his job brilliantly. That is what a three-year-old is supposed to do. Be curious by nature. Correct. But hum log as parents and caretakers, hume uska environment itna safe karna hai ki accidentally bhi kuch aisi injury nahi ho jaye which could lead to a catastrophe. You know, ki agar maan lo actually wo stuffed toy jal gaya, he will not be able to take care of that flame. On his own, और कहीं ना कहीं उसका भी हाथ जलेगा या तो उसको भी उसके कपड़ों में आग लग सकती है एंड इट कैन रियली यू नो रिजल्ट इनटू अ वेरी बिग ट्रबल. एक बड़ा सा एक्सीडेंट हो सकता है. अक्सर देखा गया है कि ज्यादा करके जो बर्न्स केसेस होते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ पुलिंग ऑफ टेबल क्लॉथ जिसके ऊपर गर्म चाय या किसी चीज उस टाइप का चीज रखा हुआ होता है. सो आई थिंक इट शुड बी मेड अ पॉइंट कि घर में टेबल क्लॉथ यूज ही ना किया जाए जब बच्चे छोटे हों घर पे. या फिर दूसरे केसेस मिलते हैं जिसमें गीजर ऑन करके छोड़ दिया जाता है जी और एल्स गीजर ऑफ करके पानी उसमें छोड़ दिया जाता है एंड द चाइल्ड गोज एंड ओपन्स द नॉब एंड द चाइल्ड गेट्स बर्न. सो ये बहुत कॉमन कॉजेस ऑफ बर्न देखा गया है. आई थिंक हमने कॉजेस के बारे में जान लिया और ये भी जाना कि किस तरह से उसे अवॉइड किया जा सकता है. बट एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हमें हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करनी है वो है कि किस तरह से इन केसेस को हैंडल किया जाए. इसके बारे में हम आपसे जानेंगे मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद. दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं बर्न केसेस इन चिल्ड्रंस और अब तक हमने जाना कि किस तरह से छोटी मिस्टेक लीड कर सकते हैं एक बहुत बड़े एक्सीडेंट में. ब्रेक के उस बार हम बताएंगे कि किस तरह से इन एक्सीडेंट्स को आप हैंडल करें. सो स्टे ट्यून्ड. बैक आफ्टर द ब्रेक. दोस्तों आप देख रहे हैं बचपन द जर्नी ऑफ चाइल्डहुड और मैं हूं डॉक्टर दिव्या. दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं बर्न केसेस इन चिल्ड्रंस के बारे में. अब तक हमने उसके कॉजेस के बारे में देखा और साथ ही साथ ये भी जाना कि किस तरह से हम इन केसेस को अवॉइड कर सकते हैं. चलिए आगे डिस्कस करते हैं कि कैसे बर्न केसेस को आप घर पर हैंडल करें. आई थिंक डॉक्टर ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की कॉजेस के बारे में और किस तरह से हम उन्हें अवॉइड भी कर सकते हैं. बट अब अगर ऐसा कुछ हो गया है आपने ध्यान नहीं दिया और बच्चे को बर्न हो गया है तो उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए या फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए. क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या होता है पेरेंट्स या फिर जो मेड सर्वेंट्स हैं बहुत पैनिक कर जाते हैं और उस पैनिक सिचुएशन में बहुत गलत स्टेप्स ले लेते हैं. तो प्लीज़ उन्हें एक सही गाइडलाइन दीजिए. ट्रीटमेंट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ बर्न. करेक्ट. फर्स्ट डिग्री में आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. जस्ट अप्लाई कोल्ड वाटर. Please don't apply ice because it can harm the skin more than you know not doing it. So aapko cold pack lagane hain and you can just give a mild painkiller for that. In second degree burns jahan blisters aate hain jaise maine bataya don't break the blisters. You have to just put a sterile cotton pad or some dressing over it and just take to the doctor so that wo jo hai under sterile conditions so blisters ko break karenge. Correct. डॉक्टर को डॉक्टर का काम करने देना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्या होता है अक्सर जो पेरेंट्स हैं पैनिक हो जाते हैं और उसके बाद में बोलते हैं नहीं नहीं अभी जल्दी से आइस लगा दो पानी में हाथ डाल दो और फिर उस एरिया को रब करने लगते हैं विच कैन रियली रिजल्ट इन टू अ रॉन्ग. यस इट कैन हार्म द स्किन. आई वुड लाइक टू ऐड कभी कभी बच्चों के कपड़ों पर हॉट चाय हॉट कॉफ़ी गिर जाती है तो बच्चे को कपड़े समेत
पानी के नीचे खड़ा करिए, डोंट बॉदर रिमूविंग द क्लोथिंग. करेक्ट, क्योंकि इमीडिएटली ब्रिंग, यू हैव टू कूल द एरिया. तो उसको आप कपड़े मत निकालिए, क्योंकि उसमें आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि मैं देखूँ कितना बुरी तरह से जला है. आप उसको पानी के नीचे 10 मिनट खड़ा कर दीजिए, एरिया विल ऑटोमेटिकली कूल डाउन एंड बच्चा विल बी फाइन एंड ही विल कम आउट एंड आफ्टरवर्ड्स यू कैन एवेल्युएट कि क्या था. करेक्ट, पर उस समय अगर आपने कपड़ा निकाला, देखा क्या हुआ, फ़ोन करो. कई बार अगर आपने बोला एक तो पानी गिर जाए, अगर ये डायरेक्ट फ्लेम है तो आई थिंक अगर आपके बच्चे ने पॉलिस्टर या कुछ पहना है तो वो स्किन के साथ चिपक जाएगा और आपकी स्किन के साथ ही निकलेगा एंड इट कैन रियली रिजल्ट इन अ बैड इंजरी. सो बेटर जस्ट कीप इट एज दैट एंड जस्ट स्टिक टू द डॉक्टर. डॉक्टर खुद उसको जो है अंडर ट्रायल कंडीशंस निकालेंगे. करेक्ट, अदरवाइज इट विल बी वेरी पेनफुल. एक और चीज़ है, घर में क्या होता है, बड़े बूढ़े रहते हैं और उनका ट्रीटमेंट का जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है काफ़ी डिफरेंट रहता है. वो कहते हैं एक काम करो, जल्दी से हल्दी लगा दो, एक काम करो टूथपेस्ट लगा दो, या फिर एक काम करो ये कर दो. क्या इस तरीके के मेजर्स लेना ऐसी सिचुएशन में करेक्ट है? बिल्कुल नहीं, बिकॉज ये जो चीज़ें हैं ये हीलिंग को ज़्यादा डिले कर सकते हैं. ओके, और जो बाद में स्कार बनेगा उसको बहुत ही खराब स्कार बनेगा. आज की डेट में एक पर्सनालिटी, एक परफेक्ट लुक बहुत इम्पोर्टेंट है. और बच्चा जब बड़ा होगा और उसके अगर शरीर पे कहीं पर भी अगर विजिबल एरिया में मार्क है या स्कार है, वो हमेशा उसे एम्बैरस रहेगा. तो सही स्टेप्स लेना बहुत जरूरी है. ये लगाने के बावजूद बाद में जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे जी, उन्हें पूरा निकालना पड़ेगा. करेक्ट, बिफोर ही एक्चुअली यू नो स्टार्ट्स अ ट्रीटमेंट. सो वो और पेनफुल होगा बच्चे के लिए. और आजकल बहुत सारे नए थेरेपीज आए हैं जैसे कोलेजन थेरेपी, जिसमें आप डायरेक्टली कोलेजन लगा के स्कार, अच्छा स्कार, मतलब स्कार हो ही नहीं, नेग्लिजिबल स्कार बनेगा, उस टाइप का भी ट्रीटमेंट आया हुआ है. बट फॉर दैट द बेसिक थिंग इज द एरिया शुड बी वेरी क्लीन. अगर आपने कुछ लगा दिया और उसके ऊपर कोलेजन लगाया तो काम नहीं करेगा. सो हैव टू रिमूव इट एंड देन अप्लाई इट. सो इट्स बेटर टू कीप इट एज इट इज, जस्ट अ स्टराइल पैड डाल के आप डॉक्टर के पास ले जाए. आई थिंक बहुत अच्छे पॉइंटर्स हमारे एक्सपर्ट्स ने बताए हैं. प्लीज़ उन्हें फॉलो कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने बच्चे को सही दिशा में ना ले जाकर, कि आप एक चाहते हैं कि उसे दर्द ना हो, उसे जल्दी से आपने कुछ भी लगा दिया और आगे जाके वो स्कार में रिजल्ट करे जैसे कि हमारे एक्सपर्ट ने कहा. सो ऑलवेज टेक अ राइट स्टेप. शालिनी जी, आप कुछ कह रही थी. यू नो लाइक काफ़ी जगहों मैंने, जब मैं ऑडिट्स के लिए जाती हूँ तो काफ़ी लोग कहते हैं कि घी लगा दो जी. बट वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब बर्न होता है तो हीट निकल रही होती है उस पार्ट से. सो इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू कूल द एरिया. जब आप घी या तेल लगाते हैं तो वो हीट ट्रांसफ़र बंद कर देता है, वो हीट अंदर ही अंदर रहती है, बढ़ने लग जाता है, नहीं निकल पाती है. सो दैट्स अ वेरी सिंपल यू नो हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस विच वी हैव टू एक्सप्लेन टू आवर ग्रैंड पेरेंट्स कि अगर आप एरिया को कूल होने देंगे तो अपने आप ठीक हो जाएगा. ये घी तेल लगाने से वो हीट अंदर ही अंदर रह रही है. So that's the logic behind using water and cold water, only water. I think बच्चे को ease करने के लिए आप मे भी उसे cold fermentation दे सकते हैं जैसे कि हमारे डॉक्टर साहब ने हमें बताया, और ज़्यादा से ज़्यादा mild painkiller. In case अगर आपको उसके बारे में awareness है तो, वरना please अपना डॉक्टर खुद मत बनिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके बच्चे को उसका harmful effect हो सकता है. I think अब वक्त हो गया है हमारे viewer question का. चलिए देखते हैं कि आज हमसे क्या सवाल पूछा जा रहा है. We have heard all through our childhood that when there is a cut, as in when there is a deep wound or a bleeding, you can put haldi or cream or oil to stop the bleeding. How far does this work? Could we have your inputs on that, please? I think इनका भी वही सवाल है जो मैंने कहा कि कितना हद तक सही है कि आप हल्दी लगा लें या टूथपेस्ट लगा लें. बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, एक मिथ है कि उससे जल्दी ठीक हो जाएगा. तो वही सवाल उन्होंने वापस से दोहराया है. जैसे हमने पहले मेंशन किया है, ऐसे सब चीज़ें बिल्कुल नहीं लगाएं, बिकॉज बॉडी उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता है. करेक्ट, इट ट्राइज टू रिएक्ट टू दीज थिंग्स. करेक्ट, उस रिएक्शन में स्कार विल बी इवन बैड. So it's better not to do anything and just take the person to the doctor directly. I think मैं आपको सिर्फ एक suggestion देना चाहूँगी कि अगर burn mild जलने से, यानी कि गर्म पानी या चाय गिरने से हुआ है, it's not that severe, तो आप उसे cold fermentation दे सकते हैं. और direct eyes ना लगाते हुए cold fermentation, या तो कपड़े में आप ठंडा पानी ले लें या फिर eyes ले लें उसे हल्के हल्के से, ताकि जो बच्चे की जलन है वो कम हो जाए. जैसे हमारे एक्सपर्ट ने कहा है कि आप माइल्ड पेन किलर दे सकते हैं ताकि बच्चे को दर्द कम हो. और एक बात का ध्यान रखिए, इमीडिएटली चाइल्ड स्पेशलिस्ट या फिर पीडियाट्रिक के पास लेकर जाइए, ताकि कोई भी स्कार फॉर्मेशन ना हो और आपका बच्चा हमेशा हेल्दी और खूबसूरत रहे.
आई थिंक बहुत सारे मिसकंसेप्शंस, मिथ्स और यहाँ तक कि बड़ों का कहना, क्योंकि घर में अक्सर बड़े होते हैं और मेड सर्वेंट्स होती हैं, रिस्पेक्ट देयर दिस थिंग, आप उन्हें कई बार मना भी नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी इन बातों के बारे में समझाना ज़रूरी है. तो मैं चाहूँगी कि एज एन एक्सपर्ट्स आप उनसे कुछ उन्हें कुछ टिप्स दें, उन्हें कुछ जानकारी दें. शालिनी जी, आपसे एज आई सेड इट्स अ केमिस्ट्री थिंग, यू नो इट्स अ हीट ट्रांसफर प्रोसेस. तो अगर आप उनको ये बात समझा दें कि यू नो ये पहले ज़माने में होता था बट अब रिसर्च दिखाती है कि उससे स्कार रह जाएगा, उससे ये गर्म हो रहा है तो इस एरिया को ठंडा करने की ज़रूरत है, तो आई एम श्योर दे विल ऑल्सो अंडरस्टैंड. यू हैव टू जस्ट सिट विद देम एंड एक्सप्लेन देम कि दिस इज़ द रीज़न वाई डॉक्टर सजेस्ट कि पानी डालिए या कोल्ड फर्मेंटेशन करिए. सो आई एम श्योर लाइक यू नो दे नो कि दिस इज़ अ बैरियर कि हीट बाहर नहीं निकल पाए and it's actually now like leading to a bigger scar, I'm sure they will also understand and you know respect doctor's right advice thing. Absolutely. Right, and with changing times people are more aware about cosmetic outcome of the case. Correct so in that case ye bahut zaruri hai. Purane zamane mein jab lagate the to scars bure hote the, there was no choice, but correct. When you have choice today it's always better to take advantage of them. I think jitne bhi nana nani, jitne bhi dada dadi aur jitne bhi bade, हमसे बड़े जो लोग हैं ये शो देख रहे होंगे, वो समझ गए होंगे कि आज की डेट में खूबसूरती, एक ब्यूटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है और सही स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है. तो वो इस तरीके की मिस्टेक या इस तरीके का सजेशन अब नहीं देंगे, क्योंकि हमारी यही कोशिश है कि हम करेक्ट इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचाए, और उसमें आप दोनों हमारी बहुत मदद कर रहे हैं. सो आई नीड टू थैंक यू फॉर दैट. थैंक यू सो मच एक्सपर्ट्स. थैंक यू दोस्तों. आज हमने देखा कि छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखकर आप अपने बच्चे के आने वाले कल को सुरक्षित कर सकते हैं, उसे हेल्दी रख सकते हैं, खुश रख सकते हैं. मैं जानती हूँ आपके मन में शायद कई और सवाल पल रहे होंगे. अगर आपको उनके जवाब चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. हमारा पता है केयर वर्ल्ड, पोस्ट बॉक्स नंबर 11999, आज़ाद नगर पोस्ट ऑफिस, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 53. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं mail@careworldtv.com पे. हमारी वेबसाइट है www.careworldtv.com. आपके नन्हे की खुशियाँ आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. उसका दुख आपको दर्द देता है, तो दोस्तों आप उसका ख्याल रखें. सच्चे मन से एक प्रण लें कि आप कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करेंगे, कोई भी ऐसी गलती नहीं करेंगे जिसकी वजह से आपके बच्चे को कल कोई तकलीफ हो. सो इसी नोट के साथ मैं आपको कहना चाहूँगी गुड बाय. हम मिलेंगे आने वाले एपिसोड में. टिल देन आप अपना ख्याल रखें, अपने नन्हे का ख्याल रखें, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है.